अपन लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट के अंदर इंट्रोडक्शन के अंदर डीआईसी के बारे में सपोर्ट सिस्टम कर रहे थे अपन कि कौन कौन से ऐसे सपोर्ट सिस्टम हैं, कौन कौन से ऐसी एजेंसीज हैं जो हेल्प करती हैं टू ग्रो टू बिल्ड टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डेवलप करना उसको रजिस्टर करना उसके लिए कौन कौन सी एजेंसीज हैं जो हेल्प करती हैं। इंट्रोडक्शन में नेक्स्ट है सपोर्ट सिस्टम के अंदर सबसे पहले अपन ने पढ़ा था डीआईसी के बारे में, ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर था उसके बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट आप पढ़ रहे हैं एनएसआईसी, ठीक है, एनएसआईसी भी एक एजेंसी है जो कि हेल्प करती है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन, ठीक है, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन, ये भी सेम वैसी ही संस्था है जैसे कि दूसरी आम संस्थाएं हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है स्मॉल इंडस्ट्रीज उनके लिए है ये, ठीक है, फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। देखो तीन तरीके की एजेंसीज होती हैं, जो बिजनेसेस हैं वो बहुत सारे तरीके के होते हैं लेकिन बेसिकली फंडिंग या हेल्प उनको की जाती है जो स्मॉल या मीडियम स्केल के हो, ठीक है। तो सबसे पहले आता है माइक्रो स्केल इंडस्ट्रीज, फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, फिर मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज, ऐसे ही वर्क होता है। और स्मॉल से नीचे माइक्रो है, माइक्रो को भी ये हेल्प करेगी, ठीक है। तो ये क्या है 1956 के अंदर इसको डेवलप किया गया जब आजादी के बाद देश को जरूरत पड़ी इंडस्ट्रीज की तो उसके लिए हेल्प सिस्टम सेटअप किए गए थे। तो ये सारे जो सिस्टम है ज्यादातर 1950 के अराउंड डेवलप हुए हैं, 1951, 1952, 1953, 1954 और 1955। और ये नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ये है 1956 और ये पूरी गवर्नमेंट बॉडी है, ठीक है, पूरे अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये संस्था है, इंडिया 100% इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंड करती है और हेल्प करती है बिजनेसेस को, ठीक है। तो ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एनएसआईसी। अब ध्यान दो, एक होती है बैंक्स की सिस्टम होता है, बैंक्स अलग अलग तरीके के होते हैं, उनमें से एक बैंक होता है कॉर्पोरेटिव बैंक या कमर्शियल बैंक, ठीक है, कमर्शियल बैंक उसको बोलते हैं। कमर्शियल बैंक्स कौन से होते हैं, ये जो होते हैं कमर्शियल बैंक्स ये ज्यादातर बिजनेसेस को 50% तक जितना भी फंडिंग हो रही है ना उसका 50% कमर्शियल बैंक्स उनको पे करते हैं। जो आपके इंडस्ट्रीज हैं उनको 50% तक का लोन, जो मतलब कि उनके पास टोटल करेंसी चल रही है इस टाइम पे बिजनेसेस के अंदर, उसका 50% किसका है, कमर्शियल बैंक्स का है, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बैंक है। अब ये जो एनएसआईसी है ये क्या करता है, ये जो है लोन एक्सटेंड करवाता है। कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं वो खुद से लोन नहीं दे सकते क्योंकि उनको ऐसा होता है कि उनको पैसा वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप ध्यान दो कि आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी के ऊपर 50 करोड़ का बिजनेस ग्रो कर लिया, तो अब जो बिजनेस है उसके ऊपर तो 50 करोड़ रुपया लगा है वो बैंक से लिया आपने, अगर वो प्रॉपर्टी भी आपने अटैच कर रखी है बैंक के साथ तो वो तो सिर्फ 1 करोड़ की है, तो वो जो 50 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट आई है वो बैंक कहां से पूरी करेगा। तो उसको सिक्योरिटी चाहिए होती है, सेफ्टी, ठीक है। तो ये जो एनएसआईसी या ऐसी एजेंसियां हैं ये हेल्प करती हैं अपनी इसके अंदर, ठीक है। ये क्या करती हैं, ये गारंटी लेती हैं कि हाँ हम ये बिजनेस को कुछ होने नहीं देंगे, ये गड़बड़ नहीं होगी इसके अंदर। तो सबसे पहले क्या है, फाइनेंशियल असिस्टेंस, असिस्टेंस, ठीक है, फाइनेंशियल असिस्टेंस। ये क्या करते हैं, जो है इक्विपमेंट और मार्केटिंग के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं, फॉर इक्विपमेंट के ऊपर ज्यादा जोर देते हैं ये, ठीक है, इक्विपमेंट एंड मार्केटिंग, मार्केटिंग,
मार्केटिंग के लिए भी फाइनेंस और इक्विपमेंट के लिए भी फाइनेंस ये अलाउ करवाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इक्विपमेंट के ऊपर लोन, अलग अलग इक्विपमेंट जितने अगर 50 इक्विपमेंट है तो उनके ऊपर जो लोन मिलता है, ठीक है, वो लोन ये वाले जो है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ये दिलवाएगी। ऐसे ही मार्केटिंग करने के लिए कोई भी हेल्प चाहिए, ठीक है, हेल्प चाहिए या फाइनेंस चाहिए, लोन चाहिए, वो भी कौन प्रोवाइड करेगा, वो भी ये जो एनएसआईसी है वो प्रोवाइड करवाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं एनएसआईसी के अंदर। नेक्स्ट आता है, अब फाइनेंशियल हेल्प करेगी ये, दूसरा क्या करेगी ये, क्लियरेंस जो है प्रपोजल को क्लियरेंस दिलवाएगी, ठीक है, क्लियरेंस जो है ऑफ द प्रपोजल्स, ऑफ द ठीक है। प्रपोजल्स क्या होते हैं, मतलब कि आपने कोई बिजनेस नया बनाना है उसके लिए आपने प्रपोज रखा कि ये आप करना चाहते हो, ठीक है, आपने नया बिजनेस बनाया है उसके लिए आप ये पैसा खर्च करना चाहते हो, ये सारी चीजें आप करना चाहते हो, इतना आप जो है प्रॉपर्टी अटैच करना चाहते हो, ये सारी चीजें उसको जो प्रपोजल है उसको गवर्नमेंट से पास करवाना पड़ता है, तो उसको क्लियरेंस दिलवाने का काम कौन करता है, एनएसआईसी उसमें हेल्प करता है, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट जो है जो प्रिपेयरिंग ऑफ प्रपोजल है उसके लिए असिस्ट करते हैं ये, ठीक है, असिस्टेंस फॉर प्रिपेयरिंग ऑफ प्रपोजल्स। प्रपोजल अब आपको क्या है, आपको पता है कि आपने बाइक बनाने हैं, इलेक्ट्रिक बाइक बनाने हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटी बनानी है, लेकिन आपको नहीं पता कि उसके अंदर कौन कौन सी चीजें रिक्वायर्ड हैं आपके लिए जो गवर्नमेंट हेल्प करेगी, तो ये सारी चीजें कौन बताएगा आपको, एनएसआईसी हेल्प करेगी टू प्रिपेयर टू क्लियर योर प्रपोजल्स इन एवरी जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट उसको हैंडल कर रहा है उसी हर डिपार्टमेंट के अंदर, एवरी डिपार्टमेंट के अंदर वो क्या करेगी, हेल्प करेगी, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या करती है, कमर्शियल बैंक से लोन सैंक्शन करवाने में हेल्प करती है, हेल्प इन लोन, लोन को जो है सैंक्शन, लोन सैंक्शन करवाने में, लोन सैंक्शन फ्रॉम कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक से लोन एक्सटेंशन करवाने में भी ये हेल्प करती है एनएसआईसी, ठीक है। तो एनएसआईसी बहुत सारे काम करती है, सबके बारे में अपने पढ़ा कि कौन कौन से, ज्यादातर इक्विपमेंट के ऊपर ये फाइनेंस देती है, इक्विपमेंट के ऊपर लोन दिलवाती है, ठीक है, और मार्केटिंग के अंदर भी लोन दिलवाने में हेल्प करती है, और उसके अलावा भी अगर कोई लोन चाहिए आपको वो उसके लिए भी हेल्प करती है एनएसआईसी इन कमर्शियल बैंक्स, ठीक है, कमर्शियल बैंक्स को वो करती है कि आप इसको लोन दो, ठीक है। तो एनएसआईसी का ये वर्क है। उसके बाद कौन कौन सी स्कीम्स चल रही हैं, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन की स्कीम्स, स्कीम्स कौन कौन सी चल रही हैं, सबसे पहले इसके अंदर आता है मार्केटिंग सपोर्ट, मार्केटिंग सपोर्ट, ठीक है, ये करती है एनएसआईसी। इसमें ये क्या काम करती है, इसके लिए ये जो है सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन जो गवर्नमेंट परचेज करती है उसके लिए, ठीक है, सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन फॉर गवर्नमेंट परचेज, गवर्नमेंट परचेजेस, जो गवर्नमेंट परचेज करेगी कोई भी चीज, ठीक है, जैसे कि आपने कुछ ऐसा बनाया जो गवर्नमेंट को चाहिए या आपको कुछ ऐसा चाहिए जो गवर्नमेंट से लेना है आपने, वो सारे काम होंगे वो एक ही पॉइंट पर रजिस्टर्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए एनएसआईसी हेल्प करती है कि आपका एक सिंगल पॉइंट के ऊपर, एक ही सिंगल विंडो के अंदर सारा काम हो जाए, जो भी आपको मार्केटिंग सपोर्ट उसके अंदर चाहिए, जो गवर्नमेंट ने कुछ खरीदना है आपसे या गवर्नमेंट से आपने कुछ खरीदना है, ठीक है। उसके बाद ये क्या करती है, एग्जीबिशन लगवाती है,
एग्जीबिशंस एंड टेक्नोलॉजी फेयर्स, मेले लगवाती है टेक्नोलॉजी मेले, जिसके अंदर आपके जो टेक्नोलॉजी है उसको क्या है बढ़ावा मिलता है, उसको दिखाया जाता है कि ये देखो ये नई चीज आपने जो है वो डेवलप की है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नई चीज को डेवलप कर दिया आपने, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एडवर्टाइज करना पड़ेगा अपनी इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए। तो एडवर्टाइजमेंट का काम भी कौन कर रहा है, एनएसआईसी कर रही है, वो एग्जीबिशन लगवाती है जगह जगह पर ताकि आपका काम जो है वो आसान हो जाए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है ये कौन सी हेल्प, इसके अंदर जो वायर करने वाले हैं वायर्स एंड जो सेल करने वाले हैं सेलर्स नीड, ये क्या करती है जितने भी जो सेलर्स हैं, जितने भी कोई इंडस्ट्रीज हैं और जितने भी कुछ खरीदने वाले हैं सबकी एक मीटिंग करवाती है, ज्वाइंट मीटिंग। उसके अंदर अगर किसी का कोई जो है कुछ बनता है, कुछ आर्ग्यूमेंट होते हैं उसके अंदर, ठीक है, जो भी वहां पे अगर कोई खरीदना चाहता है कुछ या कुछ सेल करना चाहता है वो अपना बात वहां पे रख सकता है। ठीक है, ये तो हो गए मार्केटिंग सपोर्ट जो ये करती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है मार्केटिंग सपोर्ट के बाद नेक्स्ट आता है इसके अंदर क्रेडिट सपोर्ट। ठीक है, क्रेडिट सपोर्ट, क्रेडिट मतलब के सीधा सीधा मनी। ठीक है, मनी से सीधा सीधा संबंधित है क्रेडिट सपोर्ट। तो ये क्या करती है, अब कितने भी टाइप के लोन्स हैं आप सारे लिखोगे यहाँ पे। ठीक है, मैं अलग अलग लिखना चाहूँ तो इक्विपमेंट लोन, ठीक है, पर्सनल लोन, इंडस्ट्रियल लोन, प्रॉपर्टी लोन, ठीक है, जितनी भी लोन्स हैं सारे वो एक्सटेंड करवाती है, ये सेक्शन करवाती है। ठीक है, मतलब कि इक्विपमेंट के ऊपर तो खुद भी लोन देती है लेकिन बाकी के जो लोन है जैसे प्रॉपर्टी लोन, ठीक है, और बहुत सारे लोन है उनको भी ये असिस्ट करती है ताकि वो आसानी से आपको मिल सके। ठीक है, तो फाइनेंस जितने भी है, इक्विपमेंट फाइनेंस, ठीक है, और जो मार्केटिंग फाइनेंस, मार्केटिंग फाइनेंस और बाकी के जितने भी कुछ भी लिख सकते हो इसके अंदर, ऑल टाइप ऑफ लोन्स जो है ये क्या करवाती है, एक्सटेंशन करवाती, सेक्शन करवाती है। ठीक है, कोई भी किसी भी प्रकार का लोन हो वो सेक्शन करवाती है कमर्शियल बैंक से। ये दोनों लोन ये खुद भी प्रोवाइड करते हैं, इक्विपमेंट फाइनेंस एंड मार्केटिंग फाइनेंस। ठीक है, ये तो खुद भी प्रोवाइड करती है और बाकी के भी जितने लोन है उसके लिए भी हेल्प करती है ये टू इजीली जो है उनको मिल सके। ठीक है, अपनी इंडस्ट्री को। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट। ठीक है, ये हो गया क्रेडिट सपोर्ट, मतलब कि हर तरीके का क्रेडिट सपोर्ट ये करती है। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट, टेक्नोलॉजी सपोर्ट। अब टेक्नोलॉजी जो होती है उसको ये खुद नहीं ऐसे कर सकते कि आपको दे दें, वो क्या करेंगे आपकी हेल्प करेंगे, एडवाइस करेंगे आपको। ठीक है, तो एडवाइजिंग, ठीक है, एडवाइजिंग टू अपग्रेड योर इक्विपमेंट्स। ठीक है, और बाकी जो है डिजाइन, अगर आपको प्रोडक्ट डिजाइन करवाना है वो भी ये कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट डिजाइन के लिए भी इनके पास है इक्विपमेंट, प्रोडक्ट डिजाइनिंग विद ऑटो कैड, कैड सॉरी कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग, कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग की हेल्प से ये प्रोडक्ट को डिजाइनिंग भी करवा सकते हैं आपके लिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, अगर कोई नई मशीन आई है जिसकी वर्किंग नहीं पता तो उसकी वर्किंग के लिए भी ये आपको हेल्प करवा सकते हैं, उसमें भी अपने जो टेक्नोलॉजी सपोर्ट है उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद बाकी जितनी भी टेक्नोलॉजिकल हेल्प है, जैसे कोई मशीन आई है वो कैसे वर्क करेगी, सारी की सारी हेल्प ये प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो कोई भी हेल्प चाहिए तो आप कहां जाएंगे, टेक्निकल सपोर्ट या एनएसआईसी के अंदर जाएंगे। ठीक है, ये है एनएसआईसी, और भी बहुत सारे काम करती है ये। ठीक है, वो सारे इंडस्ट्रियल उसको अपग्रेडेशन और उसको क्या करना, नई जो है सिस्टम उसके अंदर अरेंज करना, उसको डेवलप करना, यही इसका काम है। ठीक है, एनएसआईसी का।
बाकी भी जितने जो भी आप पढ़ रहे हैं वो सारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए ही यूज होते हैं, तो इसके अंदर कोई खास खासियत नहीं है। सारी चीजों के अंदर आप सेम ही चीज लिख रहे हो, बस एक कौन सी इसकी स्कीम्स कौन कौन सी चल रही है वो अलग अलग होती है सबकी, ठीक है। लेकिन होल वही ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज ही रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब एनएसआईसी के बारे में पढ़ा, नेक्स्ट है एनआरडीसी, एनआरडीसी, एनआरडीसी क्या होता है, ये 1953 की ब्रांच है जो के किसके ऊपर वर्क करती है, नेशनल रिसर्च, नेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है, डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। अब यहां पे क्या है, एनआरडीसी नेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये क्या काम करती है, ये डेवलपमेंट के लिए क्या करती है, अब नई चीजें खुद डिजाइन करती है, खुद डेवलप करती है, नई नई इक्विपमेंट्स बनाती है, ठीक है। तो ये क्या करती है, टेक्नोलॉजिकल हेल्प करती है, तो ये रिसर्च करती है पुराने इक्विपमेंट्स के ऊपर, ठीक है, रिसर्च कर रही है ये, ठीक है। दो काम तो हो ही गए यहाँ पे, पहले तो इसने क्या किया जो है ओल्ड इक्विपमेंट्स के ऊपर रिसर्च किया, ठीक है, रिसर्च ऑन इक्विपमेंट्स टेक्नोलॉजी और बाकी सारा कुछ कैसे ग्रोथ किया जा सकता है। उसके बाद उसने क्या किया, इसको डेवलप कर दिया इन दोनों को, ठीक है, इक्विपमेंट्स को भी डेवलप करने का काम किया है और टेक्नोलॉजी को भी डेवलप करने का काम किया है। मतलब कि एनआरडीसी क्या काम करता है, ये बेसिकली किसी इंडस्ट्रियल पर्पस से नहीं करता, ये करता है कि कैसे आपका जो पुराना सिस्टम है, जो ओल्ड सिस्टम है, उसको डेवलप करके नई जो है ऊंचाइयां उसको छू सकते हैं, जो अपने पास पहले से इक्विपमेंट पड़े हैं उनको इक्विपमेंट्स को कैसे डेवलप किया जा सकता है और उनके अंदर कौन कौन सी चीजें चेंज करके आप उसको बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट उससे ले सकते हैं, ठीक है। ये सारा काम कौन करता है, एनआरडीसी करता है। 1953 में ये डेवलप किया गया था टू डेवलप द टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिकल साइंस को डेवलप किया जाए, टू रिसर्च किया जाए, ताकि जो पुराने इक्विपमेंट्स हैं, जो पुराने मशीनरी है, उसको कैसे यूज किया जा सकता है, मॉडर्नाइजेशन के साथ कैसे उसको बेस्ट से बेस्ट यूज से लिया जा सकता है, ठीक है। यही इंडस्ट्री का रूल है कि कैसे आप एक मशीन से अपना मैक्सिमम काम ले सकते हो, ठीक है, एक मशीन एक मैन, ठीक है, आदमी से कैसे मैक्सिमम। अब जरूरी नहीं है कि एक आदमी सारा दिन बैठ के एक चीज के ऊपर काम करे तो ही आपकी लेबर जो है वो कंप्लीट होगी, ठीक है। अगर आप उसको 400 रुपए 500 रुपए पर डे पे कर रहे हो तो ये जरूरी नहीं है कि आप उससे सारा दिन काम ले रहे हो, जरूरी है कि उसने एक घंटे के अंदर कितना काम किया, वो भी ऐसे जरूरी नहीं है कि आपको उसको अंधा काम करवाना है कि उससे काम ही करवाते रहना है, वो होगा कि उसकी एफिशिएंसी, ठीक है, उस काम की एफिशिएंसी। अगर वो ऑपरेटर है सीएनसी का तो वो एक घंटे के अंदर 50 60 या 100 आदमी जितना काम कर रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियस है उसको 500 से ज्यादा भी पे किया जा सकता है, तो क्योंकि उससे अपने एफिशिएंट काम लिया है। अगर वही मैनुअल वर्क कर रहा है तो वो एक घंटे के अंदर एक आदमी के बराबर का काम या दो आदमी के बराबर का काम कर सकता है, जो कि बहुत ही कम है, ठीक है, कहां तो 50 60 कहां से एक या दो आदमियों का काम करना। तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं जब आप क्या करते हैं डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट इसीलिए जरूरी है कि आप उस एक पर्सन से उतना काम ले सके जितना अपने को रिक्वायर्ड है और वो भी दुखी ना हो। सीएनसी ऑपरेट करना कोई मुश्किल काम नहीं है, वो आसानी से अपना काम करता रहता है, और काम किसने करना है, सीएनसी ने, उसको सिर्फ ऑपरेट करने का काम जो है वो पर्सन करता है। तो वो कैसे आया ये सिस्टम, ये आया डेवलपमेंट की हेल्प से, रिसर्च की हेल्प से, ठीक है। तो ये सारा काम कौन कर रही है, एनआरडीसी कर रही है, जो कि डेवलपमेंट के ऊपर वर्क कर रही है, ठीक है, इसके बारे में इतना ही है। नेक्स्ट आप पढ़ते हैं,
एनआरडीसी, ये सारे इंपोर्टेंट है जो भी एजेंसीज हेल्प कर रही है आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है एमएसएमई, ये एक मिनिस्ट्री है जो के हेल्प करती है टू ग्रो द स्मॉल स्केल एंड माइक्रो स्केल बिजनेस। तो ये मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल, एम फॉर माइक्रो, एस फॉर स्मॉल एंड मीडियम स्केल या मीडियम इंडस्ट्रीज या एंटरप्राइजेस लिख सकते हो, ठीक है, या मीडियम स्केल एंटरप्राइज। ठीक है, एंटरप्राइजेस, एंटरप्राइजेस मतलब के बिजनेसेस, ठीक है। तो ये क्या है, अब यहां पे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के ऊपर एक मिनिस्ट्री है, एक मिनिस्टर बैठता है इसके ऊपर जो इसको डेवलप करने का काम करता है, जो इसको अब अपडेट करने का मतलब कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को कैसे अपग्रेड किया जा सकता है, कैसे उनसे बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट लिए जा सकते हैं, कैसे उनको जो है डेवलप करवाया जाए ताकि अपने को टैक्स ज्यादा मिले। तो ये सारी चीजें कौन देखती है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। और इसके ये कब डेवलप हुई, 1999 के अंदर, 1999 के अंदर इसको फर्स्ट टाइम ऐसी मिनिस्ट्री बनाई गई जो इसके ऊपर काम करेगी, ठीक है। और ये क्या है, इसके अंदर कौन कौन सी स्कीम्स चल रही हैं, स्कीम्स कौन कौन सी चल रही हैं, तो सबसे पहले है पीएमईजीपी, पीएमईजीपी, ठीक है। तो ये क्या है, ये है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, पीएम प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है ये। इसके हेल्प से क्या करते हैं, पीएम तो मैं पीएम ही लिख देता हूं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जनरेट करना, जनरेशन प्रोग्राम, ठीक है। इसकी हेल्प से आप क्या करते हैं, ये प्रोग्राम किस लिए यूज करते हैं आप, ताकि क्या हो सके, डेवलपमेंट हो सके इन जो है रूरल एरियाज के अंदर, एम्प्लॉयमेंट मिल सके, जो न्यू जनरेशन है उसको आप एम्प्लॉय बना सके, ठीक है। तो ये है पीएमईजीपी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ग्रो करते हैं तो उससे क्या मिलती है, एम्प्लॉयमेंट मिलती है, ठीक है। तो सबसे पहले पीएमईजीपी, दूसरा है इसके अंदर सीजी, सीजीटी, एमएसई, सीजीटी एमएसई, ठीक है। दूसरी ये स्कीम चल रही है, इसका मतलब क्या है, क्रेडिट ग्रांटी ट्रस्ट फंड फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ठीक है, क्रेडिट ग्रांटी ट्रस्ट फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ठीक है, एमएसई, मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट, ठीक है। जो क्रेडिट जो है गारंटी मिलती है, ट्रस्ट मिलता है कि हाँ ये जो फंड है ये क्या होगा, ओरिजिनल में आपको वापस मिल जाएगा, ठीक है, क्रेडिट गारंटी, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट इन मीडियम एमएस एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस, एमएसई का मतलब सेम है, ठीक है। ट्रस्ट फंड, फंड है ये, एक ऐसा फंड है जो कि हर किसी को मिलेगा, जब आपको क्या है कोई ना कोई इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो उसके लिए गारंटेड फंड आपको मिलेगा, ताकि आपको वो स्मॉल या मीडियम स्केल इंडस्ट्री जो है उसको डेवलप कर सको। और लास्ट है इसके अंदर आईएसईसी, आईएसईसी, ये भी जो है ये कौन चला रहा है, ये गवर्नमेंट चला रही है, माइक्रो मीडियम एंड स्मॉल स्केल जो मिनिस्ट्री है वो चला रही है। इसका मतलब क्या है, इंटरेस्ट सब्सिडी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, ठीक है, इंटरेस्ट सब्सिडी
एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट ये होता है ताकि आप मीडियम या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए कोई भी इक्विपमेंट खरीद रहे हो तो उसके लिए आपको सब्सिडी मिल सकती है। ठीक है, इनके नाम याद कर लेना बस पूरे, और इसका बारे में ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। और ये होता क्या है, फुल फॉर्म को पेपर में ये आएगा, एमएसएमई क्या होता है, तो ये मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, ऐसे ये चीज लिखनी जरूरी है, फुल फॉर्म ऑफ एमएसएमई। ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ एनएसआईसी। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, बाकी ये जो स्कीम्स है ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।